मैं आज उपस्थित हूँ करपी प्रखंड के रामपुर चाय ग्राम में, और यहाँ पे मैं अभी दो नंबर वार्ड में उपस्थित हूँ। जो आप देख सकते हैं यहाँ का जो दो नंबर वार्ड का नल जल का स्थिति है, मुझे दिखाऊंगा। जो यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है उसे भी आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है, न इसमें गेट लगा हुआ है न कुछ भी है, और इसमें जो है स्टार्टर सीमेंट वगैरह रखा हुआ है, यानी नल जल का कोई भी इसमें जो सामग्री आम जल मशीन वगैरह कुछ नहीं है। सीमेंट का ये रूम है, और अभी का सरकार जो कहती है कि नल जल पूरी तरीके से बिहार में चल रही है, तो देख सकते हैं कि ये जो रूम बना हुआ है सीमेंट रखने के लिए, और यहाँ का जो मैं कैमरा मैन से आग्रह करूंगा दिखाएंगे, ये जो नल जल का जो बोरिंग किया हुआ है, ये कल तक नहीं था। यहाँ के लोगों का आरोप है ये नहीं लगाया हुआ था, और दिखाएंगे इसका पाइप वो नहीं लगा, ये नहीं लगा हुआ था, रात को दिखा दिया है उसको, कनेक्शन अभी तक हुआ ही नहीं। कैसे पानी जाएगा गांव में ये मैं नहीं समझ सकता हूँ, यहाँ के पदाधिकारी ही बताएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों ने यहाँ के नल जल को स्वीकृति करके और सारी पैसा को निष्कासित किए हैं। चलिए मैं कुछ लोग से बात करूंगा। आपका नाम बताएंगे आप? हमारा नाम तो केदार सिंह हुआ। केदार सिंह कहाँ घर पड़ता है? घर इसी दो नंबर वार्ड में है। अच्छा। वार्ड के सचिव हमारी पत्नी है। अच्छा, इसी वार्ड का? हाँ। तो आपका पत्नी खुद सचिव है। हाँ। तो ये क्या स्थिति है, क्या नल जल का स्थिति बताएंगे आप? स्थिति तो है कि हम लोग जब कल करपी गए, अच्छा, तो फोन आया, फोन किए थे विकास जी के पास, तो उन्होंने बताया कि आपका नल जल तो 6 महीना से चालू है। हम कहे कि यहाँ सर अभी मोटर का कहीं कनेक्शन नहीं है, अभी वार्ड के दो हिस्सा में अभी पाइप नहीं लगा है, ये नल जल चालू कैसे है? बैंक में पता करने गए तो कि कितना पैसा इसका निकासी हुआ, तो बैंक में बताया कि करीब 9-10 लाख रुपया, उसका हम लोग फोटो कॉपी लिए हुए हैं पासबुक का, 9-10 लाख रुपया का निकासी हो गया है, जबकि 3-4 लाख के भी इसमें काम नहीं हुआ, और नल जल यहाँ देखिए अभी पाइप का कनेक्शन नहीं हुआ है, और नल जल को चालू करवा दिया गया है डॉक्यूमेंट में, इसलिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अभी इसका मोटर जो लगा हुआ है इसके अंदर मोटर चालू करके देखा जाए, मोटर भी नहीं चलता है, ये मोटर कहाँ से ला करके लाया है, मोटर इसको चालू करके देखा जाए, ये मोटर चलता नहीं है। कभी स्टार्ट हुआ है मोटर? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी कितना दिन से बिल्डिंग बना हुआ है? लगभग बिल्डिंग बने हुए तो करीब 6 महीना हो गया ना, हो 6 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, लेकिन प्लास्टर प्लास्टर अभी 1-1.5 महीना पहले तक हुआ है। अच्छा, हाँ, यानी अभी तक इसमें से पानी एक बूंद नहीं निकला? एक बूंद भी अभी पानी नहीं निकला है। चलिए, आप समझ सकते हैं इनका आरोप है, जनता का बिल्कुल आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री आज वादा करते हैं कि मेरी इस बिहार में नल जल पूरी तरीके से सुरक्षित है, और मेरा नल जल का पानी लोगों के बीच पहुंच रहा है। फोन धराते हैं और कहते हैं कि ये जी इसे देखिए ना, से पुरानका वडवा नयका वडवा बैंक में पैसा पता करने आया है, तब वो क्या बोल रहा है मैनेजर को कि उसको भगाइए ना सर, तब मैनेजर क्या उसको बोल रहा है कि से जल्दी यहाँ से जाना ही तो पुलिस बोला कि तुमको अरेस्ट करवा देंगे। बताइए ये कौन सा मैनेजर के काम होता है, इसलिए बैंक मैनेजर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए इसे सब बोलने के जुर्म में। यानी इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ का जो भी प्रतिनिधि है पंचायत का उसमें सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है पंचायत के सब प्रतिनिधि सम्मिलित है, इसको इसमें बैंक मैनेजर भी सम्मिलित है। अगर बैंक मैनेजर नहीं सम्मिलित होते तो इसको डांटते क्यों? हम पता करने आए अपने अकाउंट का पैसा ना जी, तो आप हमको कह रहे हैं कि पुलिस बोला के अरेस्ट करवा देंगे, यही बैंक मैनेजर का अधिकार है। आप खुद समझ सकते हैं यहाँ के बिहार की जो स्थिति है, बिहार के जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, वो वादा कर रही है कि मेरा जो नल जल है, इस नल जल का जो अथी सचिव है वो सचिव 3 पद पर कार्यरत है, एक तो 15 साल से वृद्धा पेंशन लेती है, दूसरा जो है से आशा में ड्यूटी करती है, और तीसरा जो है से वार्ड का सचिव है, बिना जनता के कोई। इससे आप समझ सकते हैं जनता का बिल्कुल आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री आज वादा करते हैं कि मेरी इस बिहार में नल जल पूरी तरीके से सुरक्षित है, और मेरा नल जल का पानी लोगों के बीच पहुंच रहा है, लोग पी रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, लोग परेशान हैं, नल जल का पूरी पैसा निष्कासित हो गया, लेकिन अभी तक एक बूंद लोगों को पानी नहीं इससे मिला है। और यहाँ का जो भी इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने जनता के द्वारा जो उनको प्रेशर दिया गया उसके बाद इस्तीफा दिए, इस्तीफा देने के बाद जो दूसरी वार्ड मेंबर चयनित हुए वो बेमर्जी से, यानी इन लोग का आरोप है कि हम लोग को मर्जी से नहीं बल्कि यहाँ के वीडियो या जो भी पदाधिकारी है उनकी मर्जी से नियुक्ति कर और यहाँ का जो भी नल जल का पैसा था उसे निष्कासित करके, और आज नल जल भी पूरी तरीके से जो है
इसमें इन लोगों भी आरोप लगाए कि जो लगा हुआ है मोटर ये जो है वो भी बिल्कुल खराब है, सिर्फ ही कनेक्शन कर दिया गया है लेकिन आज तक ये चालू नहीं हुआ है। इससे मैं यहाँ के पदाधिकारी या वीडियो जो भी हैं, जो वार्ड को चयनित किए हैं अपनी कलम के बल पर, मैं उनसे मांग करूंगा कि उनको जल्द से जल्द इस वार्ड से जो भी पैसा निष्कासित हुआ है उसे रिफंड करके इन लोग जो जनता का आरोप है इन लोग को न्याय दिलाने का काम करें। आप देख रहे थे बी अजय टीवी जनता की आवाज, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।